बेटियां किसी से कम नहीं होती, ये साबित कर दिखाया है आगरा की रहने वाली राशि कन्नौजिया ने। नमस्कार, मैं हूं सपना। आज बात करते हैं आगरा की बेटी के बारे में। उत्तर प्रदेश की आगरा की रहने वाली राशि कन्नौजिया भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गई है। बेटी ने आगरा शहर का नाम रोशन कर दिया है। बांग्लादेश दौरे के लिए घोषित हुई भारतीय टीम में राशि कन्नौजिया का नाम भी शामिल है। राशि कन्नौजिया बांग्लादेश दौरे पर भारतीय टीम के साथ खेलेंगी। T20 और वनडे मैचों की श्रृंखला में लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी का जौहर दिखाएंगी महिला क्रिकेटर राशि कन्नौजिया। इन दिनों मुंबई में ड्यूटी कर रही हैं। राशि कन्नौजिया रेलवे में जूनियर क्लर्क के पद पर तैनात है। राशि कन्नौजिया ने हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की पढ़ाई आगरा से पास की है। फोन पर हुई बातचीत में खुद राशि कन्नौजिया ने बताया कि वो एक औसत छात्र रही, लेकिन क्रिकेट के प्रति जुनून ने आज उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान दिलाई है। राशि कन्नौजिया का परिवार आगरा के नामनेर में रहता है। परिवार में माता पिता, दो बड़े भाई और भाभी और भतीजा है। राशि ने वर्ष 2013 और 14 में क्रिकेट खेलने की शुरुआत की थी। राशि आगरा के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेलने जाती थी। क्रिकेट कोच मनोज कुशवा उन्हें बॉलिंग की बारीकियां बताते थे। राशि की लगन को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हेमलता काला ने भी उनकी ट्रेनिंग की और आज राशि कन्नौजिया सफलता के शिखर पर है। राशि कन्नौजिया यूपी की अंडर 19 और अंडर 23 टीम का हिस्सा भी रह चुकी हैं। राशि वर्तमान में यूपी महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा है। अब राशि कन्नौजिया का चयन भारतीय महिला क्रिकेट टीम में हुआ है। राशि कन्नौजिया भारतीय महिला क्रिकेट टीम के साथ बांग्लादेश दौरे पर जाएंगी। वहां होने वाले 3 T20 और 3 वनडे मैच की सीरीज खेलेंगी। राशि कन्नौजिया को मिली इस उपलब्धि पर परिवार के लोग बेहद खुश हैं। राशि कन्नौजिया के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने भी फेसबुक पेज पर पोस्ट करके राशि कन्नौजिया को बधाई दी है। राशि के पिता अशोक कुमार सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी हैं। राशि की माता राधा कन्नौजिया आर्मी स्कूल में ड्राइंग टीचर हैं। राशि के माता पिता ने बताया कि राशि बचपन से ही लेफ्ट हैंडर रही है। राशि अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर हेमलता काला के भाई से ट्यूशन पढ़ती थी। राशि के लेफ्ट हैंडेड होने पर ट्यूशन टीचर ने राशि को क्रिकेट खेलने की सलाह दी। राशि की लगन क्रिकेट में बढ़ती गई और आज राशि भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गई है। राशि के माता पिता ने बताया कि उस समय लोग हमसे कहते थे कि क्रिकेट लड़कों का खेल है, लेकिन हमने किसी की बात पर गौर नहीं किया, अपनी बेटी को क्रिकेट खिलाया। आज अपनी कड़ी मेहनत की वजह से बेटी ने यह मुकाम पाया है। जब लड़की मेरी 8 साल की थी, एक हमारे हेमलता काला जी, उनका एक भाई था जो हमारी लड़की को ट्यूशन पढ़ाया करता था। उसकी उम्र थी 8 साल की। तो ये हर काम उल्टे हाथ से किया करती थी। हर काम में जो काम करना है, खाना पीना, लिखना पढ़ना रोना, सब उल्टे हाथ से करती थी। उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि लड़की को खिलाइए क्रिकेट, भाई यहाँ क्या बॉलर है, वो अच्छा आगे जल के निकलेगा। हमने उसकी बात सुन के हमने कुछ गौर किया, फिर हमने उनकी बहन जी से बात की। उनकी बहन इंटरनेशनल खिलाड़ी है, उनसे बात करी, हेमलता काला। उन्होंने हमने इसको डाला एक स्टेडियम के अंदर, वहाँ खेलने जाया करते, हम लेने जाया, छोड़ने जाया करते। लोग वहाँ कहते थे लड़की छोटी है, अच्छा लड़की, ये कोई लड़कों का गेम नहीं है, ये इस खेल को लड़के खेलते हैं। हमने उनकी बात को ध्यान नहीं दिया, हमने अपनी लड़की के भविष्य पर गौर किया। उसके अंदर आत्मा क्या कहती थी, हमने उस पर भविष्य पर गौर किया। आज वो इस मुकाम पर पहुँची है कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया, मेहनत की, आज उसकी मेहनत का फल उसको मिला है। हमारे समाज से, हमारे नामनेर से, हमारे उत्तर प्रदेश से, हमारे हिंदुस्तान से, सबका नाम उसका रोशन करेगी, वो कर रही है। जानकारी कैसे मिली आपको, बेटी से बात हुई उसके बाद? बेटी से बात हुई, बॉम्बे से। बेटी हमारी बॉम्बे में, बेटी ने हमको फ़ोन करके बताया, मम्मी मेरा सिलेक्शन इंडिया टीम में हो चुका है। हमको बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि सर हमारा भगवान ही जानता है। हमारे आस पड़ोस के लोग
सब लोग बहुत खुशी हो रहे हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन और हमारे समाज के लोग खूब बधाइयाँ आ रही हैं, सब सतरे बधाई आ रही हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, देश प्रदेश सब तरह से बधाइयाँ आ रही हैं। शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत जब ये छोटी थी तो ये लेफ्ट हैंड ज़्यादा यूज़ करती है, तो इनके ट्यूटर उन्होंने कहा कि अरे मैडम आपकी बेटी तो ऐसे लगता है क्रिकेटर बनेगी, ये उल्टे हाथ से लिखती पढ़ती है। मैंने उनकी बात पे गौर किया और हमारे आगरा में एक लव स्टेडियम है वहाँ पर उसको एडमिशन दिला दिया। इस तरह से वो खेलती रही धीरे धीरे, फिर यहाँ हमारे जानने में एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हेमलता काला जो इनकी मार्ग प्रदर्शन किया, उन्होंने इसे आगे बढ़ाने में बहुत मदद करी, उन्होंने क्रिकेट खिलाया, गुंजन नेशनल खेली राशि, और उसके बाद वह आज इंटरनेशनल के लिए भी आगे आई हैं। वो शुरुआत जब हुई थी तो लोग क्या कहते थे, बेटी क्रिकेट खेल लिए इसको लेकर के या पढ़ाई लिखाई को लेकर के कुछ इस तरीके की कोई बात हुई हो? ऐसा है, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है राशि, स्कूल जाती थी, बहुत अच्छी पढ़ाई करती थी, पढ़ने में अच्छी थी, पर जब क्रिकेट खेलने लगी तो क्रिकेट और पढ़ाई दोनों एक साथ करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, तो उसे पढ़ाई को थोड़ा रोक कर क्रिकेट के आगे ध्यान देना पड़ा। लोग तो ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के लोग की सोच अभी भी छोटी है, वो लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं देते, वो कहते नहीं लड़के आगे बढ़े, क्रिकेट लड़कों का खेल है लड़कियों का नहीं, पर हमने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी बेटी को आगे ही बढ़ाते रहे।